हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी ए कोमा बी एंड क्यू 3.3, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज फोर। यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ओरिजिन है वो मिड पॉइंट कहा है। okay. तो ओ के वर्टाइसिस क्या होते हैं 0.0। और यहाँ पे पॉइंट पी है उसके वर्टाइसिस क्या है ए कोमा बी, और क्यू पॉइंट है उसके वर्टाइसिस क्या है 3.3। तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, इसके वर्टेसिस x1 y1, इसको x2 y2 कह दो। यहाँ पे क्या होगा x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। और यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन यानी कि 0.0। x1 यानी कि हमारे पास क्या है a है, a प्लस x2 यानी कि 3 divided by 2, और y1 कितना है, तो y1 यानी कि हमारे पास b है। y1 यानी कि b प्लस y2 यानी कि 3 upon 2। यहाँ पे आपको a और b को सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि आपको a प्लस b फाइंड आउट करना है। तो नाउ यहाँ पे a प्लस 3 upon 2 इज इक्वल टू 0 होगा और p प्लस 3 upon 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे 2 सामने के साइड जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू क्या होगा -3 होगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि 2 सामने के साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा और 3 सामने के साइड है तो -3 होगा। सो यहाँ पे a प्लस बी यानी कि क्या है -3 plus -3, तो -3 -3 क्या होता है -6 हो जाता है। सो यहाँ पे हमें a प्लस बी का आंसर क्या मिल जाता है 6। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस समझ लेते हैं, p और q आपके जो वर्टाइसिस गिवन है उसका मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन वर्ड से वही आपके लिए मेन है। आपको यदि समझ में आ गया तो खत्म हो जाता है आपका काम। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या होगा x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। यहाँ पे x1 यानी कि a प्लस x2 यानी कि 3, a प्लस 3 upon 2 और y1 y2 यानी कि a b और 3, तो b प्लस 3 upon 2। और यहाँ पे xx कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दो, yy कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दो, यानी कि a प्लस 3 upon 2 इज इक्वल टू 0, b प्लस 3 upon 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में इस साइड आएगा तो क्या होगा 2 into 0 यानी कि 0 हो जाएगा, और प्लस 3 है सामने के साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह बी प्लस 3 upon 2 सामने के साइड आएगा तो 0 और 3 सामने के साइड तो -3। ए और बी दोनों की वैल्यू क्या मिली -3 -3। अब यहाँ पे ए प्लस बी यानी कि -3 plus -3 यानी कि -6 आंसर आपको मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।